नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन पर महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। छठे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। इस चरण में 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में सीएम योगी के साथ कुछ दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। ऐसे में सभी दल सत्ता में आने और अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार को देखे तो छठा और सातवां चरण, इसमें पूर्वांचल का इलाका आता है जहाँ बीजेपी ट्रिपल आर पर काम कर रही है और अब इन्हीं मुद्दों को भुना भी रही है। जरा ट्रिपल आर को समझिए। बीजेपी यहां पर राशन, राम मंदिर और राष्ट्रवाद की बात कर खुद को मजबूती देने का काम कर रही है। वहीं सपा ने बीजेपी पर झूठ बोलने और संकल्प पत्र के वादे पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। उधर आज उस पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने जवाब देते हुए कहा है कि हमने जो कहा था वो करके दिखाया है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, क्या ये काम सपा, बसपा और कांग्रेस वाली करवा पाते? ये 500 सालों से मामला अटका हुआ था, आज गरीबों को राशन मिल रहा है, पेंशन, मकान, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। अब छठे चरण के आखिरी दौर में फिर से राम मंदिर का मुद्दा याद आ रहा है और ध्रुवीकरण का भी प्रयास किया जा रहा है। अब क्या इन मुद्दों के सहारे यहां पर छठे चरण को जीतने की कोशिश की जा रही है या देखा जाए जो स्थानीय मुद्दे हैं लोगों के, उनको कहीं ना कहीं भूला जा रहा है या अनदेखा किया जा रहा है? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। कौन कौन जुड़ेगा उसका परिचय हम आपसे करा देते हैं। बता दें कि सपा से मोहम्मद तारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद तारिक, नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। बीजेपी प्रवक्ता दीपक बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। प्रभात जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात जी, शुरुआत करूंगी मैं चर्चा की, आप ही के पास सबसे पहले आना चाहूंगी। अब छठवें चरण का चुनाव होना है, पूर्वांचल का ये इलाका है और आखिरी पड़ाव इसे कह सकते हैं चुनाव का ये आ चुका है, तो ऐसे में पूर्वांचल में कौन से अहम मुद्दे हैं आपसे मैं समझना चाहूंगी और क्या चुनाव प्रचार को देखते हुए समझ पा रहे हैं कि उन मुद्दों को सभी दल उठा रहे हैं या अलग ही मुद्दों पर बात कर रहे हैं? देखिए प्रीति जी, जिस से 5 चरण का चुनाव संपन्न हो गया है और मैंने आपसे कई बार कहा कि इन चरणों में साइलेंट वोटर जो था, जो बहुत ही वोटर जब मतदान में करने गया तो वो बिल्कुल चुप था, उसने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया कि कोई भारी किसी की लहर चल रही है, क्लीन स्वीप किसी के चल रही है। मुद्दों पे, हर चरण पे मुद्दों पे वोट हुआ। पहले, दूसरे, तीसरे चरण पे जो आक्रोश था जाटों का, किसानों का, ये सारे आक्रोश पे वोट हुआ। और निश्चित तौर पे जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी का की बात हो, चाहे छुट्टा जानवर की बात हो, ऐसे परेशानी की बात हो, ये सारे मुद्दे काम आए हैं। लेकिन पांचवें चरण के बाद हर चरण पे मुद्दे बदलते रहे हैं और अब जो छठवें चरण का चुनाव होने जा रहा है, ये और सातवें चरण के चुनाव में एक जो गढ़ है, जिसे कहते हैं योगी आदित्यनाथ का एक मठ का जो क्षेत्र है, वहां पे ये एक मतदान होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में राम मंदिर के निर्माण की बात या राष्ट्रवाद की बात या जो कानून व्यवस्था की बात, ये सारी चीजें सत्ता पक्ष के लिए कुछ जो है मुफीद दिखाई दे रही है, क्योंकि इन चरणों में योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा बिल्कुल दांव पे लगी हुई है और यहाँ पे जो चेहरा है वो योगी आदित्यनाथ का चेहरा अखिलेश के मुकाबले एक बड़ा चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर रही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद योगी जी राष्ट्रवाद के नाम पे इस चुनाव को पूरा उन्होंने मोड़ दिया है, ये दो मुद्दे, क्योंकि यूक्रेन में जिस तरीके से संकट था, किस तरीके से यूक्रेन से बच्चों को वहां से लाया जा रहा है, अभी एक दुखद खबर मिली है कि कर्नाटक का एक बच्चा वहां गोलीबारी में मारा गया है और ये एक दुखद खबर भारत के लिए हिला देने वाली खबर है। तो ये सारी चीजें जो कई मुद्दे हैं, ये स्थानीय मुद्दे जो है वो हावी है, चाहे वो जापानी बुखार का मामला हो, जापानी बुखार पे योगी आदित्यनाथ ने वहां बहुत काम किया है। तो ये सारी चीजें जो स्थानीय मुद्दे हैं वो तो हावी रहेंगे, उसके साथ साथ कुछ राष्ट्रवाद पे भी ये चुनाव मुड़ा है और कानून व्यवस्था पे ये चुनाव पूरा एक कसौटी पे कसा जा रहा है। तो ये जो दो चरणों का चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी एक बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी ने काफी सीटें क्लीन स्वीप की थी। तो अब ये देखना है कि क्या साइकिल पूर्वांचल में तेजी से चलेगी या साइकिल ने जो स्पीड पश्चिम से पकड़ी थी, जो स्पीड चल रही थी, वो क्या स्पीड में कोई विराम लगता है, क्या कुछ सीटें समाजवादी पार्टी झटकने में कामयाब होती है,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मैक्सिमम सीटें इन क्षेत्रों से थी। तो इन क्षेत्रों पे जिस तरीके से चुनाव होने जा रहा है निश्चित तौर पे एक बहुत दिलचस्प चुनाव है और ये तय करेगा कि क्या बहुमत की कोई सरकार आ रही है। क्योंकि मेरा जो मानना है कोई भी पार्टी 200 के आसपास पहुंचती हुई नहीं दिखा रही दे रही है। नेक टू नेक फाइट हुई है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा है और यहाँ पे कुछ सीटों पे त्रिकोणीय मुकाबला बहुजन समाज पार्टी का है। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि किसका वर्चस्व किसका परचम इन चरणों में लहराता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें बचाने में कामयाब हो जाती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी स्थिति में दिखाई देगी, और कहीं अगर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से काफी सीटें यहाँ छीन ली तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी एक तो प्रभात जी आपके आंकलन के अनुसार आपके अनुभव के अनुसार आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी पार्टी 200 सीटें हासिल करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मुझे नहीं लगता, मुझे मैं अपने पत्रकारिता के जो मेरा 3 दशक का अनुभव है मैंने कई चुनाव देखे हैं। ये कोई चुनाव लहर का चुनाव नहीं है, ये कोई चुनाव भारी मैंडेट का चुनाव नहीं है। क्योंकि भारी मैंडेट का चुनाव जब होता है तो वोट प्रतिशत जिस तरीके से पड़ता है लगातार हर चरणों में वोट प्रतिशत कम हो रहा है और मतदाताओं में जो रुझान है जो एक आक्रोश था जो एक परिवर्तन की लड़ाई की बात थी वो थोड़ा थमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का भारी नुकसान नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है, क्योंकि उसके बाद फिर पोस्ट पोल अलायंस की बात होगी। अब जो पूरी निगाहें लगेंगी दीपक जी, आपने जो एक आंकड़ा अपने अनुभव के अनुसार बताया है उस पर मैं यहाँ पर दीपक जी के पास आना चाहूंगी। दीपक जी उनका अनुभव है और उन्होंने आधार भी यहाँ पर बताए हैं कि इन आधार पर वो ये बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी दल 200 तक पहुंचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आज ही अखिल यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बीजेपी अब तक चुनाव में बहुमत के आंकड़े को उसने छू लिया है और अगले चरण यानी कि अब जो छठे चरण में चुनाव होना है उसमें बीजेपी की सुनामी चलेगी। देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो जादुई आंकड़ा है उसे छू लिया है और जो सरकार गठन के लिए जो मिनिमम आंकड़ा चाहिए वो पूरा संपूर्ण ले लिया है। अब आगे एक मजबूत सरकार के लिए मैंडेट की आवश्यकता है। ये भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद 2014 से लगातार भर भर के आशीर्वाद दिया और 2017 में तो वो अभूतपूर्व आशीर्वाद दिया और हमने उसी सेवा भाव के साथ जी का अनुभव भी तो गलत नहीं हो सकता। इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं और वो जो कह रहे हैं कि 200 के पार कोई 200 तक भी कोई पार्टी नहीं पहुंच रही है और एक बड़ा दावा वो कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ पर आधार बताइए ना कि आखिर ऐसा क्या जादू चलने वाला है कि जो एक बार फिर से 2017 की तरह नतीजे रिपीट होने वाले हैं, जबकि अब तो कामों के मूल्यांकन के आधार पर इस बार मतदान हो रहा है। देखिए प्रीति जी, जिस प्रकार से 2017 का चुनाव मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, 2017 के चुनाव के अंदर किसी ने नहीं बोला था कि भारतीय जनता पार्टी को इतना अभूतपूर्व मैंडेट मिलेगा, पर भारतीय जनता पार्टी को वो अभूतपूर्व मैंडेट मिला। तो वहीं पर 2019 के अंदर सपा और बसपा की जो सोशल इंजीनियरिंग थी उसे बहुत बड़ा सोशल इंजीनियरिंग का करार दिया गया और देखा गया कि नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे से 10 सीट नहीं निकाल पाएगी। ऐसे ही वरिष्ठ पत्रकार लोग थे और कई सारे बुद्धिजीवी लोग थे जो लगातार राजनीति पर विश्लेषण करते रहते हैं, उन लोगों ने भी यही बात कही, परंतु उसके बाद क्या नतीजा निकलता है, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश से लेकर आती है। उस वक्त तो ये लगातार थी, लेकिन इस बार भी मानते हैं कि कोई लहर है अभी नहीं। प्रीति जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने और संगठन ने जिस प्रकार से लोगों की सेवा की है और सेवा भाव के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम किया है उसे वोटरों के अंदर एक उत्साह है। आप जिस वोट परसेंटेज को गिरने की बात करें, देखिए वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा जब बढ़ता है जब सरकार परिवर्तन की बात आती है। तो देखिए 2017 में जिस प्रकार से सरकार परिवर्तन की आवश्यकता थी तो वोट परसेंटेज बहुत बड़ा जंप किया, तो यहाँ पर कोई वोट परसेंट इस तरीके से जंप नहीं किया। इसका मतलब यह है कि लोग सरकार परिवर्तन के लिए बहुत ज्यादा आतुर नहीं है, लोग सरकार से खुश हैं, लोग सरकार के लिए वोट डाल रहे हैं और सरकार दोबारा से आ रही है। ठीक है दीपक जी, प्रभात जी के पास मैं लौटूंगी कि कितना इत्तेफाक वो आपकी बात से रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद तारिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद जी, मेरा सवाल आपने सुना होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने उस जादुई आंकड़े को छू लिया है, अब अगले चरण में यहाँ पर सुनामी आने वाली है, सच होने वाला बीजेपी का सपना? नहीं नहीं, ये सपने और इनकी ना किसी से किसी के अनुभव से कोई लेना देना है, इनको सिर्फ सत्ता से लेना देना है। आपने अभी बात कही कि जो हमारे साथी पत्रकार महोदय जुड़े हुए हैं उन सत्ता से लेना देना होता
तो इनके गृह मंत्री और इनके डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त रैलियां ना कर रहे होते। यहां पर ये असल वक्त है पाकिस्तान को लाने का। आप नहीं लाएंगे ये पाकिस्तान को, निकाल के ले गए और आप रैलियां करने में बिजी है। अभी भी 2000 बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। आपकी कौन सी रणनीति, और एक अगर हेलीकॉप्टर आता है तो उसमें क्रेडिट लेने के लिए, अब आप बताइए कितनी शर्म की बात है। उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, उनसे किराया लिया जा रहा है, उनसे हजारों रुपए भराए जा रहे हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान की एंट्री है कि वो अपने बच्चों को निकाल, और ये यहाँ पर बैठे रह जाते हैं, अभी तक हमारे बच्चे वापस नहीं आए, इसका जवाब कौन देगा? और उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रवाद की। अरे इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, इनका चेहरा उछल उछल के आ रहा है सामने। आप रैलियां करेंगे, ऐसा ही अमित शाह बंगाल में भी रैली कर रहे थे जब इस तरीके की समस्या आई थी। इनका 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 गृह मंत्री, इनका गृह राज्य मंत्री तो खैर इनका अलग ही है एकदम, उसकी बात ही छोड़ दीजिए, वो तो गालियां चढ़वाता है किसानों के ऊपर। हो सकता है वो वहां भी बुलडोजर भेज दे कि उन बच्चों के ऊपर चढ़ा दो, वो ना आए। ऐसे ऐसे लोग हैं इनके पास, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये बात। इनको सिर्फ सत्ता से, सत्ता की लालच है इनको। अगर इस क्षेत्र में योगी जी का इतना प्रभाव था तो 42 नेताओं को भेजने की क्या जरूरत थी? आगे अकेले बुलडोजर निकलवा देते, सारा वोट मिल जाता आपको। एक बुलडोजर निकलवा दीजिए, सारा वोट मिल जाएगा आपको। यही तो डराना चाहते हैं आप लोगों को। गरीबों को डराइए, किसानों को डराइए, मजलूमों को डराइए, माइनॉरिटीज को डराइए, यही काम है सिर्फ इनका। लेकिन जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको खुल के नहीं बताएंगे कि वो कब तक आ जाएंगे। टेलीफोन नंबर, वहां से वीडियोज डाल रहे हैं, मैं वीडियो यहाँ पर दिखाऊंगा, बच्चे वहां से वीडियोज डाल रहे हैं रोते हुए, 40-40 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। आप यूएन में जब वोटिंग होती है तो आप अपने आप को न्यूट्रल दर्शा देते हैं। आप किस तरफ हैं, आप किस तरफ हैं? कोई तो अपना स्टैंड दिखाइए दुनिया को, और फिर आप बताएंगे कि आप विश्व गुरु बनेंगे और बहुत शक्तिशाली हैं। ऐसे ही शक्तिशाली बनेंगे आप कि अपने बच्चों को वहां तक, वहां से अभी तक नहीं निकल पाए और वो फंसे हुए हैं वहां पर। और एक अगर जहाज जाता है तो उसमें आप प्रचार करने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए चले जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में संदेश तुरंत चला जाए कि जहाज से एक बच्चों को ले आए। अरे कितने बचे हुए हैं बच्चे, आपको स्टेटमेंट देना ठीक है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, वो चीजें एकदम से नहीं हो सकती है तारिक जी, कोशिश की जा रही है। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, दीपक जी बोलिए। देखिए प्रीति जी, जिस प्रकार से अभी मैं मोहम्मद तारिक जी को सुन रहा था तो ये कह रहे थे इनके गृह मंत्री, इसका मतलब ये गृह मंत्री अमित शाह जी इनके गृह मंत्री नहीं है, ये पूरे भारत के गृह मंत्री नहीं है। तो यही समाजवादी एक सोच है, मानते ही नहीं है, इनको चुनाव लड़ना है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए हर बार पाकिस्तान की बात और जिक्र करने का काम समाजवादी पार्टी करती है, राष्ट्रवादी काम करने का काम समाजवादी पार्टी करती है। ठीक है, अगर आतंकवादियों को छुड़वाने की बात हो तो सबसे ज्यादा पहले समाजवादी पार्टी अपने आतंकवादियों को छुड़वाने का काम करेगी सांप्रदायिक स्वार्थ के नाम पर। वहीं पर अगर अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में अगर वर्डिक्ट आता है तो ये एक बार स्वागत नहीं करते इनके लोग, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां पर इनके आतंकवादियों के पिताजी आपने ये क्यों नहीं जवाब दिया, बच्चे कब आए? मूल चरित्र है, समझाई करने वाला सबका इनका मूल चरित्र है, घोटाले करने का इनका मूल चरित्र है। एक योजना इन्होंने जमीन पर बिना किसी घोटाले के अगर पहुंचाई तो बताइए, मुसलमान तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते। मुसलमान सारे वहां पर राम मंदिर के अंदर गोली इसलिए चलवाएंगे क्योंकि मुसलमान नाराज ना हो जाए, ये इनके नेताओं के बयान है। इस प्रकार का ये चरित्र रचना चाहते हैं, इनके नेताओं का बयान आता है, पेशावर से चिराग जलवाएंगे, जब अयोध्या में दीपोत्सव सब बनाते हैं, वाराणसी काशी के अंदर दीपोत्सव बनाते हैं, इनको ये सारी चीजें नजर नहीं आती क्योंकि हमने सांस्कृतिक चेतना के केंद्रों को जीवंत करने का काम किया है। और एक बहुसंख्यक लोगों की एक बहुत बड़ी उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी ने उस काम को भी पूरा किया है। और ये हमने किसी के लिए एहसान नहीं किया, ये हमारा कर्तव्य था, हमने अपना कर्तव्य समझा, हमने लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाए, हमने अपना कर्तव्य समझा, हमने लोगों को राशन मुहैया करवाए, हमने लोगों को अगर बिना छत को बेघर में देखा तो उनको घर मुहैया कराने का काम किया, और ये सब हमने केवल सेवा भाव के लिए किया। हमने किसी का रहता नहीं। कब वापस आएंगे ये बताइए, अपने गृह मंत्री से पूछिए, डिफेंस मिनिस्टर से पूछिए, कहिए प्रचार ना करें, भाषण ना दीजिए। हम लोग दिन रात पार्टी का प्रचार करते हैं और इतना स्ट्रक्चर्ड भाषण देते हैं कि पब्लिक समाजवादी जिंदाबाद के नारे लगाती है। हम पब्लिक डोमेन में है, यहाँ मुद्दे की बात हो रही है, भाषण तो हम इतना अच्छा दे लेंगे। ठीक है, यहाँ एंकर कहेगा कि भाई ठीक है, ठीक है। लोकतंत्र को शायद जानते नहीं है, लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है और प्रचार करने का भी सबको अधिकार है, तो प्रचार करना क्यों बंद कर दें? नहीं, आप चुनाव प्रचार बंद कर दीजिए ना, आपको तो पता है कि आपको सरकार में नहीं आने वाले, फिर भी आप प्रचार कर रहे हैं, फिर किस आधार पे आप प्रचार कर रहे हैं? तो लोकतंत्र के अंदर आपस में मत लड़िए, ठीक है? प्रभात जी के पास जाना चाहूंगी कि बच्चों को वापस कब तक आ जाएंगे, इसका जवाब जरूर देना चाहिए प्रभात जी। देखिए
देखिए मैं आगरा की एक घटना बता देता हूँ प्रीति जी। दीपक जी रुकिए, आगरा में दो बच्चियां भी वहां पर इधर उधर बताइए, बच्चे कब आ जाएंगे, दुनिया भर की घटना बहुत। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक बात कही गिनाने लगे वहां पर, आपको ये सर मुझे तो मेरा काम करने दीजिए, मुझे सवाल पूछना है। वापस कब आएंगे दीपक जी? रुकिए मुझे मेरा काम करने दीजिए, मुझे सवाल पूछना है प्रभात जी। प्रभात जी यहाँ पर आपने पहले सुना जो आपने आधार दिया उस पर दीपक जी ने जवाब दिया, उस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं या हवा हवाई बातें करने में ज्यादा माहिर हैं यहाँ पर? देखिए प्रीति जी, मैंने जो ये बात कही और जो आधार दिया उसका मैं आपको तर्क के साथ आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ तो वो चुनाव मोदी के एक लहर पे चुनाव हुआ, मोदी के चेहरे पे चुनाव हुआ। राज्य का चुनाव एक नेशनल पार्टी के लीडर ने लड़ा और उस समय योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं थे। मोदी के चुनाव पे वो वोट पड़ा और 2012 से 17 के बीच जो अखिलेश की एंटी कन्वेंसी थी उसके आधार पे जनता ने परिवर्तन किया, क्योंकि डबल इंजन की सरकार देखना चाहते थे 2014 से 2019, फिर 19 में लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता नोटबंदी के बाद। लेकिन 2022 का चुनाव जिस तरीके से एक विषम परिस्थितियों में जो नाराजगी थी जनता की, जो परेशानी थी कोविड कार्यकाल के बाद, और आपको बता दूं हर सीट पे 45-48 विधायक जीत के हर चरण पे आए थे भारतीय जनता पार्टी के। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी थी तो उनके सामने एक विकल्प के रूप में एक समाजवादी पार्टी सामने खड़ी थी और जनता को ये था कि हम जाएं तो जाएं कहां, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो आपके किसान हो। और क्योंकि समाजवादी पार्टियों और के सामने बहुजन समाज पार्टी और जो है कांग्रेस बहुत कमजोर है, कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से हर चरण में 20-25 सीटों का नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी का, अगर आप हर चरण का नुकसान अगर कैलकुलेट करें आप तो मेरे हिसाब से 125 सीटें भारतीय जनता पार्टी लूज करती हुई दिखाई दे रही है और कई सीटें तो 1,000, 2,000, 3,000 के वोटों से पिछले बार समाजवादी पार्टी हारी थी और लगभग करीब 48 सीटें ऐसी थी जिसमें समाजवादी पार्टी दूसरे चरण पे दूसरे पोजिशन पे रही थी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी उस डैमेज कंट्रोल को करने का प्रयास इन चरणों में करेगी और उनको ये तरीके से कानून व्यवस्था की बात उन्होंने रखी, बुलडोजर की बात रखी उन्होंने, ये सारी बातें जो रखी, तो भारतीय जनता पार्टी के पास पाने के लिए कुछ नहीं है। अब वो 325 सीटें अपने सहयोगी दल के नहीं, ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा दीपक जी, सर्वे तो आपने भी करवाया होगा, जो सर्वे करवाया होगा यही रिपोर्ट मिल रही है या कुछ अलग ही रिपोर्ट मिल रही है या देखना ही नहीं चाह रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा संगठन है और संगठन के अंदर लगातार हमारा कोऑर्डिनेशन बना रहता है और कोऑर्डिनेशन संगठन की जमीन से जब बूथ अध्यक्ष बोलता है कि इनके आप सुबह सुबह देखिए सबसे पहले अगर वोट देने वाला अगर कोई कार्यकर्ता होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, अगर कोई वोटर जाएगा तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को वोट डालता है। तो भारतीय जनता पार्टी का वोटर सबसे पहले सुबह उठकर ही वोट डालता है, पहले वो मतदान करता है उसके बाद जलपान करता है, ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर की निशानी है और वो शाम तक लगातार उसी प्रकार से चलता रहेगा। आप जब तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उठ के नहीं आएंगे जब तक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर बूथ स्तर पर मौजूद होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को जमीन से बिल्कुल फीडबैक हम सब लोगों को मिल रहा है कि हमारी सीटें अच्छी आ रही है और प्रत्येक सीट पर और प्रत्येक चरण के अंदर ये फीडबैक हमें अच्छी रूप से मिला और मैं प्रीति जी आपको आश्वस्त करता हूँ। ठीक है दीपक जी, 10 मार्च को भी हम एक साथ बात करेंगे इस मसले पर, जब नतीजे आएंगे बिल्कुल तब उस वक्त देखेंगे कि ये जीत में तब्दील होगा कि नहीं, ये भरोसा। तारिक जी, ट्रिपल आर पर बात कर रही है बीजेपी, राशन, राष्ट्रवाद और राम मंदिर, क्या लगता है इसके बहाने जो है पूर्वांचल में माइलर ले जाएंगे और आप लोग पीछे रह जाएंगे? नहीं नहीं बिल्कुल, इसका ये तो राशन राष्ट्रवाद से 2-3 दिन से हम लोग बहस भी कर रहे हैं, ये मुद्दे बिल्कुल ही चलने वाले नहीं है। हाँ मुद्दा जरूर ये है कि जो छुट्टा जानवर इन लोगों ने छोड़ इनकी वजह से हो रहा है, जिसके लिए इन्होंने कोई भी योजना नहीं रखी। तो अब मैं ये कह रहा हूँ, उसके बाद अभी इनके मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा कि उन छुट्टा जानवरों को पालने के लिए हम 200 रुपए देंगे। तो मेरा सवाल है इनसे कि क्या इससे पहले, आप फिर से वही सवाल कर रहा हूँ कि युगांडा में सरकार चला रहे थे क्या भाई, आप इसी स्टेट में सरकार चला रहे थे? तो इनकी योजनाएं इनकी बातें बिल्कुल कन्विक्शन नहीं है उसमें, जनता समझ चुकी है, हमें पूरा विश्वास है, हम इनकी तरह नहीं कहते
अब ये कह रहे हैं कि इनका कार्यकर्ता 6 बजे वोट डाल देता है, तो भाई हमारा कार्यकर्ता पूरा दिन वोट डालता है क्योंकि हमारे ज्यादा वोट है, क्योंकि इनके कम वोट है तो ये सुबह सुबह डाल के खत्म हो गए। यहाँ पर तो अखिलेश जी कह रहे हैं कार्यकर्ताओं से कि निगरानी और ज्यादा बढ़ा दीजिए, हालांकि नतीजों के बाद ये आरोप लगते थे, लेकिन अब तो पहले डर सता रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। नहीं बिल्कुल, जब इनको हार का इतना बड़ा ये हताशा इनके हार की, आप इनके विधायकों को देखिए, इनके नेताओं को देखिए, जगह जगह वो झगड़ा कर रहे हैं, चाहे वो आप कोंडा में देख लीजिए इसी तरीके का हुआ, तो जो जब हताशा दिखती है तो आदमी उसको उसका फ्रस्ट्रेशन जरूर ग्राउंड लेवल पे दिखता है। ये इनका फ्रस्ट्रेशन है, ये हार रहे जगह जगह पर। हम तो ये यकीन से कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, वो तो जनता का विश्वास है जो हमारे तक आता है, तो हम उस विश्वास को आपके सामने दर्शा रहे हैं। बिल्कुल पब्लिक मैंडेट देगी, हम भी 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, मगर हमें यकीन है कि पब्लिक हमारे फेवर में यकीन मैंडेट देगी, मगर कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। ये हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं हर चुनाव में, हम कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है कि पब्लिक हमारे फेवर में, जो ग्राउंड लेवल से जो रिपोर्ट आ रही है कि पब्लिक हमारे फेवर में जरूर मतदान कर रही है, क्योंकि पत्रकार साहब से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि उनके सामने कोई मजबूत विकल्प नहीं था समाजवादी के अलावा। ठीक है, तारिक जी प्रभात जी के पास ही मैं जाना चाहूंगी। ठीक है, प्रभात जी के पास जाना चाहूंगी। प्रभात जी, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि ट्रिपल आर जिस पर बीजेपी अब आखिरी चरण के लिए यहाँ चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई दे रही है, एक बार फिर से राम मंदिर को भुनाया जा रहा है, हालांकि कोशिश तो पहले भी की गई थी लेकिन इतना काम नहीं किया, लेकिन अब एक बार फिर से प्रयास किया जा रहा है कि शायद काम चल जाए, काम निकल जाए, और ध्रुवीकरण की भी कोशिश दोबारा से यहाँ पर की जा रही है, तो ट्रिपल आर ये काम करता हुआ देख पा रहे हैं पूर्वांचल के अगले 2 चरणों में? नहीं नहीं प्रीति जी, भगवान राम का मंदिर एक आस्था का प्रश्न है और वो मंदिर तो बन रहा है और बनेगा, लेकिन जिस तरीके से मंदिर और विश्वनाथ कॉरिडोर या जो भी बातें ये हो रही हैं, इससे मतदाता अब उसमें नहीं आने वाला है। मतदाताओं के सामने सबसे बड़ी समस्या जो है किसानों की, छुट्टा जानवर की, और रोजगार नहीं लोगों के पास। जिस तरीके से कोविड कार्यकाल में मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल के आए, और वो देखिए जब आक्रोश कोई चीज का होता है तो ये सबक सिखाने वाली बात होती है। 5 साल में एक बार मौका मिलता है मतदाता को, तो मतदाता जाता है जब मतदान केंद्र में, तो वो आपको बताएगा नहीं कि हम परिवर्तन का वोट दे रहे हैं या फिर हम उसी पार्टी को वोट दे रहे हैं। इसीलिए साइलेंट वोट हुआ है पूरा, और वोट का जो परसेंटेज गिरा है, ठीक है वो थोड़ी एंटी कम्बेंसी कम हुई है भाजपा की, लेकिन नाराजगी है लोगों के अंदर, परिवर्तन करने का मूड है लोगों के अंदर। अब ये तो ईवीएम जब खुलेगी तब पता लगेगा, लेकिन मेरा जो मानना है, मैंने जो हंग असेंबली की बात की, मैंने जो किशनकू विधानसभा की बात की, वो इसी के आसार पे है कि हर चरण में भारतीय जनता पार्टी काफी सीटें लूज कर रही है, और वो सीटों का जो बंटवारा होगा उनमें आप मायावती को भी इस चरण में कमजोर ना समझे, मायावती भी थर्ड फोर्थ के तौर पर चुनाव लड़ेगी, और बहुत सी सीटें ऐसी होती है प्रीति जी 2000-5000 के वोटों से हर जीत का अंतर होता है, तो ये सीटों पे बहुत फर्क डालता है जब वोट का डिवीजन होता है। तो ऐसी स्थिति में जो मेरा अपना आकलन है, जो मेरा अपना तजुर्बा कहता है, वो ये कहता है कि कोई भी पार्टी की कोई वेव नहीं चल रही है, कोई लहर नहीं चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एंटी कंबेंसी को बचाने के लिए निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था की बात की है। यूक्रेन का जो ये संकट आया है, इस पे अपने आप को मार्केटिंग करके जिस तरीके से उन्होंने मंत्रियों को भेजा, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी कैच कराने का प्रयास करेगी। तो ये सारे मुद्दे जब स्थानीय मुद्दों के ऊपर आते हैं, तो फिर ये जब मतदाता सोचता है कि क्या मुझे डबल इंजन की सरकार फिर चाहिए या मुझे परिवर्तन करना है, क्योंकि परेशानी लोगों ने देखी है, निश्चित तौर पर परेशानी हुई है। अब लोगों ने किस पर मतदान किया है ये 10 तारीख को जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तब पता चलेगा। यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि पश्चिम से चली ब्यार पूर्वांचल तक बहती है, तो अब पश्चिम से कितना माइलेज किसको मिला है और पूर्वांचल में किसको बढ़ा या किसका कम हुआ है ये 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर चर्चा को हम यही खत्म करेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी आपका, और तारिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सिंहासन पर महासंग्राम लगातार जारी है, क्योंकि यूपी में चुनाव का संग्राम भी अभी जारी है, 2 चरण बाकी है। पूर्वांचल का बेहद खास इलाका ये, जिसमें 2 चरणों में वोटिंग होनी है, और यहाँ पर हालांकि इस बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी स्ट्रांग है, लेकिन जो सर्वे कह रहा है, जो आंकलन कह रहा है, उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी सीटें लूज कर रही है, लेकिन क्या वाकई में ये नतीजों में तब्दील होगा ये देखने वाली बात होगी। अभी केवल आंकलन किया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं। चलिए फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।